फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पुशअप वर्कआउट के ऊपर। इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि लगातार 30 दिनों तक पुशअप लगाने से आपकी बॉडी में क्या क्या बदलाव या चेंजेस होते हैं और साथ ही साथ आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं। पुशअप लगाने से आपकी बॉडी की कौन कौन सी मसल्स गेन होती हैं, पुशअप सही तरीके से कैसे लगाएं और जिन लोगों से पुशअप नहीं लग पाती है तो वे लोग ज्यादा पुशअप कैसे लगाएं और ये भी बताएंगे कि आप डेली कितनी पुशअप लगाएं और पुशअप आप रोज लगा सकते हैं या नहीं और पुशअप लगाने से आपकी बॉडी के अंदर के अंगों को क्या क्या फायदे होते हैं। तो ऐसे सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ ही इस वीडियो को अभी लाइक भी जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लाते रहें। फ्रेंड्स, पुशअप एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे कोई भी कर सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, बच्चा हो या बूढ़ा, हर कोई इस पुशअप एक्सरसाइज को कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होता है। फ्रेंड्स, इस पुशअप एक्सरसाइज की एक अच्छी बात ये भी है, इसे आप जिम में या घर पर या हॉस्टल में या पार्क में या फिर कहीं पर भी आप इसे आसानी से कर सकते हैं, वो भी बिना किसी जिम के सामान के। फ्रेंड्स, पुशअप हमारी पूरी अपर बॉडी की एक ऐसी बेस्ट एक्सरसाइज है जिसे आप रोज कर सकते हो, क्योंकि पुशअप सिर्फ एक ही मसल्स की एक्सरसाइज नहीं है बल्कि ये हमारी पूरी अपर बॉडी की सभी मसल्स की एक्सरसाइज है। रोज पुशअप लगाने से आप 30 दिनों में ही सामान्य लड़कों से डिफरेंट दिखने लगेंगे। रोज पुशअप लगाने से आपकी चेस्ट चौड़ी और मोटी बनती है, पुशअप लगाने से आपकी बैक भी चौड़ी और कटिंगदार बनती है। रोज पुशअप लगाने से कुछ ही दिनों में आपके शोल्डर मोटे और गोल दिखाई देने लगते हैं। पुशअप लगाने से आपकी ट्राइसेप्स की चौड़ाई बढ़ती है, बाइसेप्स की मोटाई बढ़ती है और साथ ही आपके फोर आर्म्स भी मोटे और मजबूत बनते हैं। और इतना ही नहीं, लगातार 3 से 4 महीने पुशअप लगाने से आपकी बॉडी का फालतू फैट कम होकर आपके सिक्स पैक भी बन जाते हैं। फ्रेंड्स, ये सभी बातें कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, पुशअप लगाने के ये सभी फायदे ऑलरेडी फिटनेस एक्सपर्ट द्वारा पहले ही प्रूफ हो चुके हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि आप डेली कितनी पुशअप लगाएं। फ्रेंड्स, पुशअप लगाने की कोई सीमा नहीं है, आप में जितनी ताकत हो और आप जितनी पुशअप लगा सकते हो उतनी लगाएं। आप जितनी ज्यादा पुशअप लगाने की आदत बना लेंगे आपके लिए उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप डेली जितनी ज्यादा पुशअप लगाएंगे आपकी मसल्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रेच होगी, आपकी मसल्स उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी और आपका वजन भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। ज्यादा पुशअप लगाने की वजह से आपके पेट का फैट भी जल्दी कम होकर आपके सिक्स पैक भी उतनी ही जल्दी बनेंगे। ज्यादा पुशअप लगाने से आपका स्टेमिना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये बात तो पता ही होगी, हर स्पोर्ट्स गेम में बॉडी को फिट रखने के लिए और ज्यादा से ज्यादा स्टेमिना बढ़ाने के लिए सभी स्पोर्ट्समैन को कोच द्वारा पुशअप लगाने की सलाह दी जाती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पुशअप लगाने के सही तरीके की। फ्रेंड्स, यूं तो पुशअप लगाने की बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा पुशअप लगाई जाती है वो है नॉर्मल पुशअप, क्योंकि नॉर्मल पुशअप लगाने से हमारी पूरी अपर बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। नॉर्मल पुशअप लगाने से हमारी पूरी अपर बॉडी की सभी मसल्स पर थोड़ा थोड़ा लोड पड़ता है, इसीलिए अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल पुशअप सही तरीके से लगाने के लिए हमें किन किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले नॉर्मल पुशअप सही तरीके से लगाने के लिए आपको अपने हैंड यानी हाथ की हथेली ठीक शोल्डर की सीध में मीडियम गैप से रखें। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों के बीच जरा सा भी गैप मत छोड़ें, दोनों पैरों के पंजे आपस में मिला लें। इसके बाद जब आप पुशअप लगाकर नीचे जाएं तो आपको अपनी कोहनी ना ज्यादा बाहर निकालनी है ना ज्यादा अंदर करनी है, नॉर्मल ही रखनी है। चौथी बात, आपको पुशअप लगाते समय आपको अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, मतलब कि आपको अपने हिप्स ना तो ऊपर उठाने हैं और ना ही नीचे झुकाने हैं, बिल्कुल सीधे रखने हैं। पांचवी चीज, पुशअप लगाते समय आपको अपनी गर्दन नीचे नहीं झुकानी है, सीधी आगे की ओर रखनी है। छठी बात, पुशअप आप हाफ नहीं लगाएं, पुशअप लगाते समय आप पूरा ऊपर तक उठेंगे और पूरा नीचे तक जाएंगे। सातवीं बात, आपको पुशअप आहिस्ता आहिस्ता अपनी मसल्स पर लोड डालते हुए लगानी है,
तेजी से पुशअप नहीं लगानी है। और आखिरी बात, पुशअप लगाते समय आप जब भी नीचे की ओर जाएं तो सांस अंदर की ओर लें और जब ऊपर की ओर उठें तो सांस बाहर की ओर छोड़ें। तो फ्रेंड्स, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको पुशअप लगानी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि बिगिनर्स हैं, जिन लोगों से कैसी भी पुशअप नहीं लग पाती है। तो ऐसे सभी लोग शुरुआत में अपने घुटने मोड़कर पुशअप लगाएं। ऐसे आप आसानी से गारंटी के साथ पुशअप लगा लेंगे। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से पुशअप लगाने में परफेक्ट हो जाएं, तो फिर आप इसी तरीके से ही पुशअप लगाएं। फ्रेंड्स, जब भी आप घर पर पुशअप लगाएं तो आप सिर्फ नॉर्मल पुशअप ही मत लगाएं, बल्कि अपनी पोजीशन बदल बदल कर अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप की पुशअप लगाएं। ऐसा करने से आपकी बॉडी की अलग अलग हर मसल्स की एक्सरसाइज हो जाएगी। मान लो अगर आपको अपनी चेस्ट की चौड़ाई बढ़ानी है तो आप हाथ जोड़े गैप से रखकर पुशअप लगाएं। अगर आपको अपनी चेस्ट ऊपर उठानी है तो आप अपने पैर ऊपर रख के पुशअप लगाएं। अगर आपको अपनी ट्राइसेप्स बनानी है तो डायमंड आकृति से हथेली को रख के पुशअप लगाएं। और अगर आपको अपने बाइसेप्स और फोर आर्म्स बढ़ाने हैं तो आप अपनी हथेली उल्टी रख के पुशअप लगाएं। और अगर आपको अपने शोल्डर बढ़ाने हैं तो आप अपने पैर ऊंचे रख के अपने हिप्स ऊपर उठा के पुशअप लगाएं। और अगर आपको अपनी बॉडी में ताकत बढ़ानी है तो आप अपने ऊपर कोई वजन रखकर या किसी को बिठाकर पुशअप लगाएं। और अगर आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है तो आप ताली बजाकर पुशअप लगाएं। और अगर आपको हैंड बहुत ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बनाने हैं तो सिंगल हैंड पुशअप लगाएं। और अगर आपको अपने एब्स जल्दी बनाने हैं तो भी आप अपने पैर किसी ऊंची जगह रख के ही पुशअप लगाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसे अलग अलग पुशअप लगाकर आप स्पेशली अपनी अलग अलग कोई भी मसल्स बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं कि लगातार पुशअप लगाने से हमारी बॉडी के अंदर के हिस्सों पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, लगातार 30 दिनों तक पुशअप लगाने से आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं और साथ ही साथ आपके सांस फूलने की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपका सांस लंबा बनता है और इतना ही नहीं, आपकी ब्रीथिंग पावर बढ़ने की वजह से आपका स्टेमिना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पुशअप स्टेमिना बढ़ाने के लिए एक बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। फ्रेंड्स, लगातार पुशअप लगाने से आपका शुगर और ब्लड प्रेशर भी बिल्कुल कंट्रोल में रहता है। फ्रेंड्स, पुशअप लगाने से हमारी बॉडी में HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हॉर्मोन्स रिलीज होता है, जिससे 21 साल तक के लड़के लड़कियों की हाइट तेजी से बढ़ने में भी काफी मदद मिलती है। पुशअप लगाने से हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स भी ज्यादा रिलीज होता है, जिससे आपकी बॉडी की सभी मसल्स भी तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। लगातार पुशअप लगाने से आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और साथ ही आपकी पूरी बॉडी की मांसपेशियां भी स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डेली पुशअप लगाने से कितने जबरदस्त फायदे हैं। लेकिन दोस्तों, डेली पुशअप लगाने से मतलब है कि हफ्ते में एक दिन आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है। हफ्ते के सातवें दिन आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हमसे कॉन्टेक्ट करने के लिए हमें फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर लाइक एंड फॉलो भी जरूर करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।